मध्य प्रदेश के विकास खंड घोरा डोंगरी के अंतर्गत बैतूल जिला के ग्राम घोगरी में परंपरागत अनुसार गम्मी का रस्म किया जाता है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अनुसार कुरकू समुदाय के जनजाति के लोग अपने किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर 5 बकरा का पूजा करते और लकड़ी में चित्र बना करके गम्मी का रस्म करते हैं। जैसा हम लोग गम्मी करते हैं तो पहले तो हम लोग पितर जैसा एक दिन पहले लाता नदी से हरवाई लाते हैं, दूसरा दिन फिर हम जाते हैं लकड़ी काटने काय का लकड़ी सागुन का लकड़ी। अच्छा, सागुन का लकड़ी काट क्या करेंगे, उसको छोलेगा, उसके बाद फिर उसको मूर्ति बनाते हैं हम लोग लाल कपड़ा से, और लाल कपड़ा पहनाते हैं और उसके बाद ऊपर से सफेद पगड़ी पहनाते हैं उसको। खाना में क्या क्या बनाते हैं? खाना में जैसे हमारे पास सब्जी भी था, रोटी भी था, चावल भी था, पूरी भी था, सब कुछ था। अच्छा बाबा, मैंने देखा था वो मटन बन रहा था, कितना बकरा कट जाता है? मटन बना था कि 2 बकरा एक तो पूजा पड़े 2 बकरा मरा था। आखिरी तक का कितना बकरा लग जाता? आखिरी टोटल 4 बकरा हुआ। तो अगर अपन अगर बकरा नहीं पूजेंगे तो क्या होगा? तो हमारे परंपरा में आया तो हम तो बकरा दे रहा। और अगर दारू पूजना बंद कर दे तो क्या होगा? नहीं, हम तो परंपरा, हम तो दारू देता है, बकरा भी देता है। सगुन काटते हो तो फिर इतना ज्यादा 5 दिन तक का तुम्हारे घर में रीति रिवाज होते रहता तो कितना एक लगभग खर्च हो जाता है? कम से कम लगभग हमारे यहाँ 60-60 हजार से हमारा मतलब छोटा मोटा खाना पीना हमको 60 हजार लग जाता पैसा देता। हाँ, इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि मैं भी आदिवासी हूँ और मैं भी कुरकू जनजाति का हूँ, और मेरे इस रसम से मैं जानता हूँ कि बहुत जनधन की हानि होती है। 5-5 बकरा पूजा जाता है एवं 5 से 7 दिन तक का लगातार पूजा पाठ करते, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। लेकिन हमारे परंपरागत के पुराने लोग इस रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते। मैं मोहनलाल और ये मेरा समुदाय।